हेलो एवरीवन, ये सौरभ कुमार सिंह है, हमारे मालदेवता कैंपस के देहरादून डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट हैं। और अभी जो एनडीए हुआ है, जो एनडीए का रिजल्ट आया है, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। तो सौरभ से कुछ सवाल पूछेंगे और देखते हैं सौरभ कैसे जवाब देता है। सौरभ, सबसे पहले बेटा ये बताओ कि जब तुम आए थे जी सर, इंस्टीट्यूशन में, तो पहला इंप्रेशन क्या था? पहले तो 2-3 दिन थोड़ी दिक्कत परेशानियाँ हो रही थी हमें सेटल होने में। फिर कुछ दिनों बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट होना शुरू हुई, तो फिर क्लासेस के बाद हम एकेडमिक्स पार्ट हमारा सही था, और हॉस्टल वाइज हमें थोड़ा परेशानी झेलना पड़ता था। अच्छा, उसके बाद जो तुम्हारी थापा सर के साथ, मुझे लगता है कि तुम जी लोगों की जी काफ़ी अच्छी जी बॉन्डिंग थी। जी थापा सर के बारे में बताओ कुछ। थापा सर वही सुबह परेशान करने वाले। सुबह सुबह हमें उठ के पीटी में जाना पड़ता था। पहले 1.5-2 महीने आफ्टर 12 की भी पीटी चली, उसके बाद एग्ज़ाम के पास आते आते आपने ही पीटी बंद करवा दी थी। पर पीटी भी इट वॉज़ फन, पीटी में भी मज़ा आता था पहले जब सुबह जाते थे। फिर वो धीरे धीरे सुबह का टाइम हम पढ़ने में यूटिलाइज करने लगे, पर पीटी भी जब जाते थे तो मज़ा आता तो थापा सर ने सूता पकड़ के तुमको? था। हाँ, एक दो बार जब हम रात को लेट आए थे तब सुबह हमें रगड़ा मिला था। 2 बार हमें रगड़ा मिल चुका है। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तुमको लगता है कि वहाँ रहने के कुछ फ़ायदे हुए, जैसे कि तुम लोग शहर से बहुत दूर थे, जी है सर, ना? आज तुम सुबह भी हम लोग बच्चों जी से बात सर, कर रहे थे, तब जी तुमने सर, बोला कि वहाँ कुछ फ़ायदे तुमको मिले। जी जैसे क्या फ़ायदा हुआ तुमको वहाँ रहने सर। का? जैसे वहाँ सुबह उठ के आपका एक पीटी का शेड्यूल होता है, फिर ब्रेकफास्ट के बाद आपके पास क्लासेस होते हैं, क्लासेस के बाद अगर आप अपने रूम पे वापस भी जाते हैं तो मोस्टली अगर आप सोते हैं तो 1 से 1.5 घंटे सो पाओगे। फिर उठने के बाद आपके पास काम नहीं होता है, इतने बोर हो जाओगे आप आखिर में। आपको किताब अगर खोल भी लेते हो तो कुछ आपको ज्ञान मिल ही जाएगा। मिल ही जाएगा। हाँ, तो बोरियत में भी अगर बंदा किताब खोल लेता है तो कुछ पढ़ ही लेता है। और बाकी ये होता है कि माहौल भी वैसा बना रहता है, आसपास के सारे लड़के जब एक ही चीज़ के लिए ट्राई मार रहे होते हैं तो वैसा होता है। और हमारे पास डिस्ट्रैक्शन उतना थोड़ा कम होता कोई है, रिस्ट्रिक्शन बाहर नहीं, जाने का कुछ होता नहीं आसपास है। इंसान भी कोई जी नहीं है। जी एकेडमी के सारे बंदे एक ही चीज़ के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो सब डिस्कशन भी पॉजिटिवली बिल्कुल। उसी बारे में चलते रहता है। हाँ, कि क्या करना है अभी, जी तूने कितना कर लिया, मैंने जी कितना कर लिया, एक सॉर्ट ऑफ गुड कंपटीशन भी, जी अगर बच्चे अच्छे हों तो, जी जी है ना? मुझे नहीं लगता कि भाई सबके बीच में वो नहीं, हो पाता सबके बीच में होगा। नहीं होता, हर टाइप के बच्चे हर जगह मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो हमारे में ऐसा था कि मतलब 2-3 हम में से भी सही थे, तो बस हमें आर्ट्स का नहीं लगता था कि कौन कितने घंटे पढ़ रहा है, पर हाँ, किसने कितना ज़्यादा कवर कर कितना लिया कवर कर उस लिया पे। यार। अब कभी कभी लगता था कि ये बहुत ही आगे बढ़ चुका है, तो फिर हाँ एगनी में हम अपना पढ़ने बैठ जाते थे, फिर 2-3 दिन तक हम हाँ छोड़ते ही नहीं थे। हाँ वैसे हेल्दी कॉम्पिटिशन ये था, हेल्दी कंपटीशन वो है, सपोर्ट करता है प्रेपरेशन में। थोड़ी बहुत एनवी होनी चाहिए, जी जी और वो हेल्दी, मतलब जी ऐसा है कि भाई मुझे पता चल रहा है कि इसने तो यार 4 चैप्टर पढ़ लिए जी और मैं दूसरे पे हूँ, तो धक्का लगना चाहिए जी ना जी कि ये क्या हो गया यार, जी है बिल्कुल ना? अब 4-5 दिन बाद चला कि उसको पीछे छोड़ दिया, तो जी दिस इज हेल्दी कॉम्पिटिशन। मुझे लगता है कि जी इससे बड़ा फायदा है ना, इससे अच्छा कोई टीचर भी तुम्हारे लिए नहीं हो सकता। वो प्रेपरेशन बूस्ट ही करता है वो। बिल्कुल बूस्ट जी करता है सर, और मज़ा भी आता है जी कॉम्पिटिशन में, तो मज़ा जी है, सर वरना तो फिर बिल्कुल। ज़िंदगी थोड़ी सी नीरस ही है। अच्छा, उसके अलावा स्पोर्ट्स वगैरह का तुम लोग काफ़ी बहुत स्पोर्ट्स तो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया तुम सर लोगों ने। हाँ, तो उसमें तो आ जाता था मज़ा। आखिर लास्ट तक हम लोग एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक फुटबॉल खेला था। टूर्नामेंट्स तो वगैरह अच्छे हाँ, तो खासे। स्पोर्ट्स अच्छे गए थे और हाँ, और तुम्हारी टीम उसमें हारी जीती मुझे याद नहीं हार है। गए अरे फाइनल अरे हार गए फाइनल हारी थी, जी मतलब अल्टीमेटली हार ही गई जी थी, जी कि मुझे लगता है कि जो जीता वो जीता, है जी ना? रनर अप कुछ नहीं होता। जी वो तो खाली बच्चों समझ को ऐसा है कि जी चलो ठीक ठीक है है, बहुत बढ़िया। बॉक्सिंग में तुम्हारा इंटरेस्ट है, जी और तुमको वहाँ एक बच्चा ही मिला हमारा, जी उनके रोहित। रूममेट है जी। रोहित कैसा बॉन्ड रहा उसके साथ? सर वो महीने भर तो बाहर से मुलाकात होती थी उससे, और फिर हाँ महीने भर बाद वो हमारे रूम में शिफ्ट हो गया, तो उसके बाद वो छोटे भाई की तरह है वो। फिर हाँ उस दिन जब मैच कंडक्ट करवाया, फिर सुबह मैं हाँ सो रहा था, मैच तो हाँ बाकियों का हो रहा था, फिर हाँ बच्चों ने भेजा कि आपने मैच करवा रखा। हाँ एक बार के लिए छोटा भाई है, मतलब अजीब सा हाँ लगा कहीं, हाँ तो हर एक मंच के बाद ध्यान दे रहा था कि उसको कहीं कि लगाओ चोट ना ना लगे, कहीं, चोट ना लगे। हाँ, मतलब बात क्योंकि है वो अच्छा बॉक्सर है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बॉक्सर है बॉक्सर है, वो, लेकिन ऑब्वियसली तेरी वेट का रीच, डिफरेंस आ जाता है, हाइट का डिफरेंस आ हाइट का, रीच का जाता डिफरेंस आया है। था, हाँ मतलब मैं देख रहा हूँ कि भाई कितना स्ट्रगल कर रहा है हाँ वो अंदर तक आने में, जी, आ ही नहीं पाएगा और इतनी वो रीच। अंदर वो पंच जब तक कैलकुलेट करेगा मैं निकल जाऊंगा। मैंने वही ऑब्वियसली बहुत हाँ दूर से दिख जाता आता वो आदमी, जी अगर रीच तेरी इतनी ज़्यादा है, उसकी इतनी कम है, उसकी हाइट थोड़ी सी कम है। तो बच्चा है हमारा रोहित, नेशनल खेल चुका है, इज़ अ वेरी गुड बॉक्सर, इज़ अ वेरी गुड किड, और मेहनत भी उसने बहुत की है। जी सर जब 11th क्लास में आया था तो बहुत ही बुरे हाल थे उसके, जी लेकिन जो ग्रोथ उस लड़के ने दिखाई है ना, सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पर जी सर बिल्कुल जो किया है ना उस लड़के ने, मतलब हैट्स ऑफ। बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर ये नहीं होता, वो नहीं होता, यार रोना वोना बंद करो यार, काम पे थोड़ा ध्यान दे लो, है ना? मेहनत कर लो, बाकी लोग कर रहे हैं, तुम भी कर सकते हो ना। जी सर बिल्कुल।
यानी आओ सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश का कैसा रहा तुम्हारा? इंग्लिश सर, इंग्लिश में प्रिपरेशन करके इतना पता चला कि जैसे जितनी ग्रामर इम्पोर्टेंट है, वर्ड पावर भी उतना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल है, बिल्कुल। मतलब जैसे हम प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में से हम कोई बच्चा कैसा भी बोले ग्रामर को ज़्यादा फोकस करता है और वर्ड पावर हल्का से नेग्लेक्ट करता है। हाँ। पर एट दी एंड वो रियलाइज करता है एग्जाम देने के बाद कि 100 नंबर के वर्ड पावर आते हैं और कभी कभी 100 से ज़्यादा के वर्ड पावर आ जाते हैं। ग्रामर के 100 आ सकते हैं लेकिन 100 के कम भी आ सकते हैं। बिल्कुल। और ये चीज़ शायद मैं तुमको लगभग हर दूसरे दिन बता दी थी जी कि भाई चक्कर मत पड़ना। बच्चों का क्या होता है ना, बच्चे सिर्फ मुश्किल पार्ट को पकड़ते हैं, अरे मुश्किल ये कर रहा हूँ, ये मुश्किल ये कर रहा हूँ। वो ये नहीं समझते, वो कॉम्पिटिशन नहीं समझते कि भाई कॉम्पिटिशन नंबरों का है, मुश्किल आसान का नहीं है। अगर आसान करके नंबर आ रहे हैं तो आसान करके ले। और मुझे लगता है कि वर्ड पावर ऑब्वियसली उतनी इंपॉर्टेंट है। ग्रामर का कैसा रहा? ग्रामर तो सर अब की बार सिर्फ 10 नंबर 10 क्वेश्चन आए, 10 ही क्वेश्चन आए जी। तो ग्रामर ठीक थे, उतने अप्रोचेबल थे क्वेश्चन में टैगल करने लायक। और ग्रामर पढ़ने का मतलब, जैसे हम लोगों ने ग्रामर पढ़ी, उनको लगा कुछ एडिशन तुम लोगों ने किया अपनी नॉलेज में? बिल्कुल बिल्कुल। लगभग कितना? बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले जो हम पढ़ते थे वो यही होता था कि हाँ नाउन ये होता है। हाँ। फिर उसके डेप्थ में घुसने में मतलब, हालांकि एक बार के लिए देखा जाए तो हमारे लिए बर्डन है, पर हाँ नॉलेज जितना गेन उतना बेनिफिट। बिल्कुल। जीके? जीके सर नॉलेज वाइज और फिर से कॉम्पिटिटिव वाइज बहुत इम्प्रूव है, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे और मैं सिर्फ मैथ्स में, मैथ्स थोड़ा ठीक है मेरा। हाँ हाँ। तो मैं मैथ्स मैथ्स के भरोसे जाता था और साइंस के भरोसे मैं पेपर में आता था, 15-20 नंबर से छूट जाता था। अब की बार मैंने जीके प्रिपेयर किया। हाँ। और हाँ, जीके प्रिपेयर करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है, बोरिंग सी लगती है बच्चों को। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। मतलब अगर हिस्ट्री में घुसा जाए तो किसी को जानने में इंटरेस्ट नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ हाँ। ज्योग्राफी एक बार के लिए फिर भी ठीक है कि मतलब हाँ जानने को तो एटलीस्ट स्टैटिक में है, किसी को बता भी सकते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता ही होगा। हाँ, कि हम कहीं एप्लीकेबल भी है। हाँ। पर वही है इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में हाँ पाटिल सर को क्रेडिट दे सकते हैं। मतलब उन्होंने आते आते उन्होंने ऐसे ही बोला था कि इंडियन पॉलिटिक्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता पेपर में, और हमने फिर मोस्टली हमारे दिमाग में एक इमेज फेम हो गया कि बेकार का जब पॉलिटी पढ़ाने का टाइम नहीं है तो ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो, अच्छा, हाँ, ऐसे क्यों बोल होता ही होता है, होता है जी। हाँ। तो उन्होंने 4 क्वेश्चन के आसपास बोले थे और एग्जाम में वो फंस गए, और जब एग्जाम में टीचर के बचाए क्वेश्चन फंस जाते तो मजा बहुत आता है उस टाइम पे। तुमको लगता है कि कहीं ना कहीं है ना ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कॉम्पिटिशन में आजकल के बच्चे जो खासतौर पर ना उनको पीछे खींच रहा है? टीचर के प्रति जो विश्वास की कमी है ना लोगों में जी, वो मैंने तो मतलब जो फील किया ना पिछले 4-5 सालों में जो मैंने फील किया है ना, टीचर के प्रति अध्यापकों के प्रति बच्चों में एक कॉन्फिडेंस लैग है, विश्वास की अति कमी है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे सफर करते हैं। जैसे वही बात है कि सर ने बोला अभी पॉलिटी के 4 क्वेश्चन आता है, सिर्फ इतना पढ़ लो इतने से आ जाएगा, और फिर बच्चों का ये होता है कि अच्छा सिलेबस नहीं कराना, टाइम नहीं है, इसलिए भागना चाह रहे हैं। जबकि मुझे लगता है कि अगर टीचर बोल रहे हैं ना तो भाई करा तो वैसे भी नहीं रहा है वो, नहीं नहीं तो क्यों ना विश्वास कर ले जाए उसके ऊपर, है ना। और ऐसा भी नहीं कि जी मतलब पॉलिटी उन्होंने जैसे पढ़ा है, हालांकि उसे हाँ ओवरव्यू था, पर उसमें से वो उन्होंने बोला था कि यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, 3-4 क्वेश्चन उन्होंने लिस्ट आउट करके दिए और पॉलिटी में 3-4 क्वेश्चन आए और एग्जैक्टली A to Z वहीं फंस गए। बिल्कुल। तो मजा आ गया, मतलब हाँ एफर्ट उतना मारा भी नहीं था पॉलिटी के लिए, और अगर रिवार्ड में हमें इतना कुछ मिल रहा है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा है ना। ऐसे ही मुझे लगता है कि हर जैसे शायद जब मैं तुमको आर्टिकल्स पढ़ाए थे जी, तो मैं तुमको बोला होगा कि सही क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन नहीं आते जी, है ना, आया नहीं, और अगर ना पढ़ाता तो फिर हम आपको ब्लेम करते करते ना कि यार दूसरे चाहे उससे क्वेश्चन आए ना आए जी, पर ये रहता कि सर लोगों ने ना सिलेबस पूरा नहीं कराया। तो इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगे इन लोगों से जो तैयारी करने के लिए अगले साल भी आएंगे? क्योंकि मुझे लगता है यार इससे है ना बहुत सारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनकी परेशानियाँ कम होती है, और बहुत सारे जो लोग हैं जो निकम्मे लोग हैं, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग तैयारी पे कम ध्यान देते हैं जी, और बहाने ढूंढने पे ज़्यादा जी, कि यार कुछ ना कुछ बोल दूँ कि तुमने ये नहीं पढ़ाया, तुमने वो नहीं पढ़ाया। कितना फीजेबल है टीचर बोल रहा है छोड़ दो तो छोड़ दो? मैं पर्सनली यही मानता हूँ कि एक बार अगर आप किसी टीचर के पास आ गए हो तो उसके बाद आप ऑलरेडी फंस चुके हो, वहाँ से उस सिनेरियो से आप निकल नहीं सकते। बिल्कुल। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप भरोसा करके अपने प्रिपरेशन को उनके हाथों में और अपने हाथों में म्यूचुअली डिसाइड करके ले चलो। हाँ। या तो अगर अपने अकेले बलबूते पे करना होता तो आप घर से भी कर ही लेते, घर से तो कोचिंग में क्यों जी। तो एक बार आप अगर टीचर के पास आ गए हो तो फंस चुके ऑलरेडी, वहाँ से अगर आपके पास निकलने का ऑप्शन नहीं है तो आप टीचर पे भरोसा करके देखो, भरोसा करके देखो ना। ऑब्वियसली तुम्हारे पास 6 महीने हैं जी, तुम 6 महीने कहीं जा नहीं रहे हो जी, उस 6 महीने में सिर्फ तुम रो रहे हो कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा जी,
इससे अच्छा है कि जो टीचर बोल रहा है छोड़ दो, तो छोड़ दो ना उसको। जी जी जी। और कंपटीशन का तुमको भी पता चल गया होगा कि सब कुछ पढ़ना कंपटीशन का नाम बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है जी। और कितनी बार करना है रिवाइज? मतलब मैं तो 3 बार बोलूंगा। हाँ। बाकी तो रिवाइज जितनी बार हो जाए हो जाए हो जाए उतने बेहतर। मुझे लगता है कि हमेशा 4 या 5 बार जो चीज़ तुम, ये चीज़ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तुम बताना इस बारे में कितना सही है, जो चीज़ तुमने एक बार पढ़ी जी क्या वो किसी काम एग्जाम में आएगी? नहीं सही, एक बार में तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं। हमारे आधे बच्चों को ये लगता है कि सर अगर एक बार चीज़ पढ़ ली तो बस हमको याद रहेगी, पेपर में जाकर सीधे टिक कर देंगे। क्या वो चीज़ पढ़नी भी चाहिए तुमको पता है? जैसे मान लो मुझे पता है कि भाई ये चीज़ मैं दोबारा पढ़ नहीं पाऊँगा, क्या मुझे पढ़नी चाहिए? हमें प्रिपरेशन करते समय खुद पता चल जाता है कि किसमें कौन सा हमारा जॉनर है कौन सा नहीं है। हाँ हाँ। तो स्मार्टली पहले राधर देन उसमें टाइम इन्वेस्ट करने में जो हमारा जॉनर है उसमें घुसना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली कि भाई जो चीज़ तुम दोबारा नहीं पढ़ पाओगे उसको छोड़ देना। जी बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्बिनेशन यही है ना? ये सर आप लोग नोट कर लें क्योंकि ये सिर्फ हम अपनी परेशानी कम नहीं कर रहे, दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस हैं, सब में टीचर बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना? सब ऑनेस्टली बहुत कोशिश करते हैं, सबको खुशी होती है बच्चा निकले। और उनके साथ में है ना सिर्फ पढ़ाने के अलावा ये मुश्किलें आजकल खड़ी हो रही है कि वो चाह रहे हैं कि बच्चे कॉम्पिटिशन फोकस करें, रिजल्ट पे फोकस करें, बच्चे सिलेबस कम्प्लीशन पे फोकस कर रहे हैं। क्या पूरा सिलेबस कम्प्लीट करना जरूरी है? हो भी नहीं पाएगा और जरूरी भी हो भी नहीं पाएगा, जरूरी भी नहीं, जब क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है। बिल्कुल, है ना? UPSC बोल रहे हैं कि भैया रफली 40% जी सर, है ना, इतना ही मांग रही है। तुमको अगर कोई 80% भी सिलेबस करा रहा है तो मुझे लगता है कि तुमने बहुत कर लिया है जी। अगर उसका भी रिवीजन सही से हो जाए तो आप रैंकर्स के रैंक लेके आ जाओ जी सर, है ना? मैं तो बोलता हूँ अगर 60% सिलेबस किया है तो आराम से क्वालिफाई कर लो जी सर, यही है ना? यस सर। लेकिन इन बच्चों को क्या किया जाए कि जो मतलब ऐसा है कि सर आर्टिकल से छोड़ दिया, आपने नहीं पढ़ाया, ये चैप्टर नहीं पढ़ाया, इंटरजेक्शन नहीं पढ़ाए, पंचुएशन नहीं पढ़ाई, क्या कोई फ़ायदा है इन चीज़ों का? एक बार के लिए अगर टॉपिक्स का नाम ना भी लें तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, टॉपिक्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं भी है। अगर आप कोई टॉपिक को इंट्रोड्यूस नहीं भी करा रहे हैं और बच्चों को यही बता देते कि यही क्वेश्चन फंसने वाले इन्हीं को पढ़ लो, बच्चे आप पे फेथ दिखाए और उसी पे टैकल करें। बच्चे फेथ दिखाए मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ यही है ना कि टीचर बोल रहा है कि 4 क्वेश्चन कर लो जी, अगर इनमें से आया बहुत बढ़िया, नहीं आया तो उस चैप्टर क्वेश्चन छोड़ देना क्योंकि दिस चैप्टर इज नॉट वर्थ इट कि तुम्हारे 10 घंटे 20 घंटे खाए। जी बिल्कुल, है ना? इससे अच्छा है एक चैप्टर में इन्वेस्ट करो 10-20 घंटे जहाँ से 18 क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना? तो ज़्यादा वायबल फिजिबल है जी, है या नहीं है? एनर्जी भी सेव होती है तुम्हारी। और इसके अलावा अब तुमको कितना फ़र्क लग रहा है? तुम मालदा तक कैंपस में रह रहे थे जी, ना? अब तुम शहर में हो जी, कितना फ़र्क दिख रहा है? फ़र्क तो बहुत है सर, जैसे खुशी तो बता ही रही है ली, वैसी कोई बात नहीं है। मालता में रहते थे मैं, मतलब जानवर की तरह रहते थे हफ्ते हफ्ते भर, और जब कभी आउटिंग का अगर सोचते थे तो मतलब झूठ पहले डिसाइड करना पड़ता था कि क्या बोल के जाना है बाहर है। अभी ऊपर रिसेप्शन पे दोनों मैम बैठी रहे तो वो भी बता रही थी पहली बार तुम लोग कॉलेज के नाम पे गए थे, एडमिशन किसी का नहीं हुआ पर हम कॉलेज के नाम पे गए थे। तो आउटिंग जरूरी होती है क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि हम मस्करी करने जाते थे पर हाँ मतलब प्रिपरेशन से हल्का सा ब्रेक लेने के लिए जाते थे। तो उसके लिए हम बाहर आते थे, बहुत बार बाहर आए, बहुत बार लेट हॉस्टल पहुंचे, उसमें हमने पनिशमेंट भी खाई है। और यहाँ रहने में मतलब अगर कोई यहाँ रहता है तो उसको फुली डिटरमाइंड होना पड़ेगा अपने प्रिपरेशन, बहुत ज्यादा है क्योंकि हर 5 मिनट में अगर किसी का भी कॉल आता है या बाहर से आवाजें आती है उसका मन कर गया कि अरे लस्सी वाला पास में लस्सी पी के लस्सी भी। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, तुमको घूमने के लिए भी है, खाने के लिए है, पीने के लिए है, लोग हैं मिलने के लिए, है ना? तुम घंटों डीवी चौक पे खड़े होकर बता सकते हो इजीली आराम से, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं सर, वहाँ ऑप्शन नहीं होता था तो आपके पास पढ़ाई के अलावा और कोई पढ़ाई या तो आप पूरा टाइम एक जगह कोने पे बैठ के दीवार देख सकते थे जो कि ज़्यादा बोरिंग है पढ़ाई से। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई कर लो। चलो ये फ़र्क है। दूसरा कोई टिप कुछ भी बच्चों के लिए कि भी अगर तैयारी करनी है ना, जैसे जब सौरभ आया था तो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि सर मेरी मैथ्स ठीक है, मैथ्स में कर लूँगा, मुझे GT में परेशानी है ना? और GT हम लोगों ने तुमको अच्छी से कराई है ना, इंग्लिश GK दो पार्ट है, साइंस भी हम लोग तुम्हारी अलग से क्लासेस लगवाई थी है ना, साइंस हमने पूरी कंप्लीट कराई थी अलग से क्लासेस लगवा के, उस टाइम पे तुम्हारे मेरे ख्याल से 5 घंटे भी हो गए थे पढ़ाई के ना, उसमें फिर बच्चों ने रोना भी शुरू किया था जैसे बहुत ज़्यादा हो रहा है सर, है ना? अच्छा इसके बारे में बताओ मुझे, कोई सॉल्यूशन है इस चीज़ का? मतलब एज अ टीचर मुझे तो लगता कोई सॉल्यूशन है,
बच्चों का पर्सपेक्टिव मैंने इस बारे में कभी सुना नहीं, मुझे लगता था कि यार इनका क्या पर्सपेक्टिव सुनूं, इनको तो रोना ही है अभी। तुम्हारे पास 2 महीने हैं, जैसे इस बार हमारे पास 2.5 महीने थे रफली, तुम्हारे पास 2.5 महीने हैं, तुमको जीके कवर करनी है पूरी। अब जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, और फिर जीएस में तुम्हारा बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया और फिजिक्स हो गया, और ये अपने आप में बहुत वास्ट है ना। 1 घंटा पढ़ के कोई मतलब नहीं है कि सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा, है ना। ऑब्वियसली तुमको एक्स्ट्रा क्लासेस करनी पड़ेंगी इंग्लिश की भी। हम लोगों ने रात रात को 11-12 बजे क्लासेस की हैं। मैं रात को आता था वहाँ 8 बजे, है ना। उसमें भी बच्चे कई बार आते नहीं थे, फिर वो खींच के लेके आना पड़ रहा है, पनिशमेंट दिया जा रहा है, ये सब किया हम लोगों ने। इसका क्या इलाज है कि बच्चों को कम भी पढ़ना है और सिलेबस भी कम्प्लीट करना है, मतलब कहाँ कंपनसेट किया जाए इसको? सर वो तो पैरेलल यूनिवर्स में ही पॉसिबल है, और ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तुमको पेन तो थोड़ा लेना पड़ेगा कि तुमको सिलेबस पूरा करना है और 3 घंटे पढ़ के पूरा करना है, तो वो साल भर में हो पाएगा? जी सर, और शायद उसमें भी ना हो पाए। बात है कि अब गोल बढ़ा है तो वो पेन से उतना ही मांगेगा, बिल्कुल मांगेगा, तो जितना इन्वेस्ट करोगे रिटर्न भी उतना ही अच्छा है। तुमने कितनी क्लासेस बंक की? बंक नहीं, हाँ हम साइंस की क्लासेस ऑनेस्टली हमने 2 महीने तक करी थी, उसके बाद हम साइंस की प्रभात सर की क्लास हमने जाना बंद कर दिया था। साइंस के क्लासेस और बाकी मैथ्स का हमने कभी छोड़ा नहीं, और फिर आपका क्लास कभी छोड़ा नहीं, और वोकैब वाली क्लास हाँ सिर्फ साइंस की क्लास 2 महीने बाद हमने बंद कर दी थी जी, क्योंकि उसमें फिजिक्स चल रही थी। तो अगर रीजन सपोर्ट नहीं करें अपनी गलती भी नहीं, पर जैसे फिजिक्स सर कवर करा रहे थे तो हम रूम में जाके उस समय प्रॉब्लम्स कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था साइंस हमारा थोड़ा सा हल्का फोटे है, थोड़ी बहुत स्कोर कर लेंगे। पर तुमको लगता है कि अगर मान लो क्लासेस पूरी की होती तो उसका और फायदा कुछ मिलता? जी हाँ, कुछ तो एड होता ही, बिल्कुल एड होता, कि टीचर का पर्सपेक्टिव और स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव में फर्क होता है जी सर, है ना। अच्छा, एक तो तुमने मैथ्स की कोई क्लास बंक नहीं की कभी? इंग्लिश की कोई क्लास बंक नहीं की कभी? जीके की क्लास बंक नहीं की कभी? कभी नहीं, नहीं नहीं। तुम्हारे साथ कितने से बच्चे थे जो क्लासेस से थोड़ा जी जी चलाते थे कि भाई आज जाना है कल नहीं जाना है? हाँ, फ्लक्चुएट होता था मूड, है ना जी। तुमको लगता है कि ऐसे बच्चों का पेपर कभी निकलेगा? अब मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता, एज इन रेगुलरिटी का, क्योंकि मुझे चीज समझ में आती है लेक्चर में, क्योंकि तुमको तो बेशक एज अ स्टूडेंट तुमको लगता होगा मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है, तुमको शायद उस टॉपिक के बारे में वो चीज़ें ना बताऊँ कि कॉम्पिटिशन में कैसे पूछी जाएंगी जी, या कॉम्पिटिशन में अगर क्वेश्चन आ गया तो हैंडल कैसे करना है जी। तुम क्लास बंक भी कर रहे हो जी, और तुम कोचिंग की जरूरत थी तभी तुम आए भी हो जी, है ना। तुम एक काम के लिए आए हो जी, सिर्फ कोचिंग करना जी, सिर्फ पढ़ाई करना, उसके लिए तुम पे भी क्या है, टाइम भी खराब कर रहे हो जी सर, उस एक काम में भी तुम क्लासेस बंक कर रहे हो जी, है ना। तुम कहाँ तक लगता है कि ये एक ऑफिसर बनने लायक कोई जज्बा या क्वालिटी कुछ भी, मतलब कहीं समझ में आती है चीज़ तुमको? बिल्कुल नहीं सर, वही है कि मतलब सोचते समय सोचा नहीं कि कितना बड़ा सोच रहे, हाँ, फिर उसके लिए हार्डवर्क उतना नहीं हो पाता, नहीं हो पाता है, तुम जी चुराने लग जाते हो। जब तुम रेगुलरली आ ही नहीं रहे हो क्लासेस में जी, है ना, या तो भाई तुम बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो, है ना, तुम लेक्चर के बाद बहुत तमीज से पढ़ाई कर रहे हो, बच्चों से नोट्स ले रहे हो, है ना, जो कि बहुत मुश्किल है। बिल्कुल नहीं सर, है ना? ऐसे रूम पे कोप अप कर पाना नहीं मुश्किल है। तो तुमको लगता है कि ऐसे हालातों में कितना चांसेस है कि जो बच्चा बंक कर रहा है, कितने चांसेस हैं कि वो बच्चा पेपर निकाल लेगा? बिल्कुल नहीं सर, है ना, मतलब 1-2% चांसेस, वो भी बहुत ही रेयर केस, किसी का तुक्का लग गया या बहुत ब्रिलियंट है उसको पहले से सब आता था जी, रियलाइज के चलो भाई मैं क्या ही पढ़ूँ, नहीं हो पाएगा। नहीं, रेगुलरिटी के बारे में आप क्या, मतलब ये एक मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट टिप किसी को अगर देनी हो तो रेगुलरिटी के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात है कि 4 महीने में ऐसा तो है नहीं कि आप 4 महीने पूरे दिन पढ़ सकते हो, देखा जाए तो बहुत एक सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कम है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर 4 महीने आपको कंटिन्यू हार्डवर्क करने बोला जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम पीरियड है, तो उसके बीच में कभी आपको ब्रेक लेने को मन करेगा, कभी आप थक जाओगे, कभी आप बोलोगे कि सेम चीज़ को कितने बार रिवाइज करो। पर हाँ, जैसे हमारे टीचर्स एक ही चीज़ को बार बार पढ़ा रहे हैं, हम उसी चीज़ को बार बार उसी अगर अंदाज से पढ़ने तो शायद थोड़ा सा हमें एडियन पेपर हमें ही निकालना है। और अगर जैसे अभी मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो मेरा निकल गया तो मैं खुश हूँ, अगर मेरा नहीं निकलता तो भी मैं वही सोच रहा होता कि काश मैं उस टाइम पर पढ़ लेता, तो रादर देन बाद में रिग्रेट करने से बेहतर है आप अभी हार्डवर्क कर लो। कैंपस में कमिट करके आ जाऊँगा, तुम मेहनत करके दिखाओ, ये सिलेबस पूरा करो, मैं तुमको अप्रैल में 6-पैक एब्स दिखाता हूँ। अब सुबह के टाइम पर उठने का मोटिवेशन ये हो जाएगा कि बच्चे क्या बोलेंगे, क्योंकि एक फिगर तो हम हैं,
है ना, कि भाई बच्चे देखते ही हमको कैंपस में हम ही है, बल्कि फिकर के नाम पे हम ही है जो कुछ है, है ना। तो अब मान लो कि तुमने बच्चों से तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि भैया तुम कमिटमेंट दिया था तुमने, ये कर देंगे, तुमसे ये नहीं हो रहा, तुम किसी लायक नहीं हो, तुमने कमिटमेंट दिया, तुम उस पर कितने खड़े उतरे? मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को जाके बोल दूँ कि सर अप्रैल में देखना तुम सिक्स पैक एप्स, मैं कमिटमेंट देता हूँ और तुम मुझे सिलेबस पूरा करके दिखाओ, तो हो जाता है। अगर तुम कमिट कर दो ना कहीं बाहर खड़ा होकर ना, तो पॉजिटिव वे में भी काम करती है, ऐसा नहीं है। हाँ, उस समय जब मैं बोल रहा था तब ऐसा नहीं कि उस टाइम पे प्रिपरेशन अच्छी चल रही, पीक पे चल रही थी, स्टडिंग आवर्स मेरे जा रहा थे और मैं क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हिसाब से लग रहे थे। रिसेंटली एक टेस्ट हुआ था, टेस्ट में नंबर भी ठीक आए थे तो उस हिसाब से मैंने बोल दिया सर। और सर ने पूछा साथ में किसका था, मैंने अपने दो रूममेट्स का नाम लिया, तो फिर रूम पे आया, उनसे डिस्कस किया, तो वो कह रहे थे कि अपना नाम तो लेना था हमारा के लिए। हाँ, तो कहता खुद मरता, हमें क्यों मरवाया? पर तुम्हारा हो गया। हाँ, हो गया, वो तो पीयर प्रेशर में कैसे भी हो गया। नहीं, लेकिन इसमें मुझे लगता है ना कि अभी शायद तुमको ये बात समझ में ना आए, लेक्चर रेगुलरली अटेंड करना है ना, बहुत बड़ा फैक्टर है, वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। किसी बच्चे का एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा ना, ये डिसाइड करता है कि तुमने कितने लेक्चर बंक किए हैं। बात है, अगर नॉलेज होने के बाद भी अगर लेक्चर अटेंड नहीं करते, वो टच चला जाता है वो। एग्जैक्टली, तुम आउट ऑफ टच हो, है ना। और क्या होता है कि तुम बेशक लेक्चर में बैठे हो ना, तुम बेशक सुन ही रहे हो, तुम लिख कुछ नहीं रहे हो, तब भी तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, कुछ ना कुछ तुम लेके जा रहे हो, है ना। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ कोई बोल जाए, जैसे मुझे याद आ रहा है वो एफर्ट और इफर्ट वाला जी, एक सॉरी अफेक्ट और इफेक्ट वाला जी 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 जी, है ना, ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था। अब जो उस लेक्चर में आया होगा उसको याद होगा कि मैंने एग्जैक्ट वर्ड बोला था, है ना, कि ये वर्ब है, नाउन है, भाई देख लेना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। प्रिंसिपल प्रिंसिपल किए थे हम लोगों ने डिस्कस, कि भाई ये अलग मीनिंग कन्वे करते हैं, है ना, और पेपर में आ गया जी सर। अब तुमने बेशक सारे लेक्चर अटेंड किए नाउन चैप्टर के और एक लेक्चर छोड़ दिया जी, क्वेश्चन वहीं से आया जी, बिल्कुल, क्या फायदा हुआ पूरा नाउन पढ़ने का? कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। तुम लोगों ने देखा होगा शायद, तुम में से कुछ लोग थे जिनकी तबीयत भी खराब होती थी तभी भी क्लासेस छोड़ी, उन लोगों ने नहीं है ना, चाहे वो कंबल ओढ़ के क्लास में बैठे हुए रात के टाइम पर, सर कंबल ओढ़ के बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, पर बैठे हुए हैं कि सर पढ़ना है। और तुम लोगों ने मेरे भी देखा होगा कि मेरा बीच में गला बिल्कुल खराब हो गया, गला एकदम फटा हुआ था, फिर भी ये था कि बच्चों का डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि यार 2 महीने बोलना नहीं है, तो ऐसा था कि यार 2 महीने नहीं बोलूंगा, पेपर तो ये रहा है ना, तो पढ़ाएगा कौन उनको, तो ये था कि चलो भाई ठीक है गला बाद में, खैर वो ठीक हो गया इवेंचुअली। पर ये है कि भाई तुम्हारी सर में छोटा मोटा दर्द है, बुखार है, तो क्या इतना बड़ा इशू है कि तुम लेक्चर बंक कर दोगे? बिल्कुल नहीं सर, होना भी नहीं चाहिए, थोड़े थोड़े बैरियर्स आते रहेंगे बिल्कुल। और तुम कैंपस में हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी आवर्स बहुत भारी हो जाते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास स्पेस भी है, तुम्हारे पास लोग भी हैं, यू कैन हैव फन विद, तुम्हारे पास जूनियर्स है ना, क्योंकि मुझे अभी भी याद है सादिक है और थॉमस है ना, दे लाइक सौरभ भैया है ना, वो अभी भी फ़ोन से सौरभ भैया से बात हुई, सर उनका कल भी फ़ोन आया था सौरभ भैया से बात हुई, मैंने कहा हो गई है उसका निकल गया है ना, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है तेरी वहाँ। तो अब तुम्हारे पास ठीक है, स्टडी आज तुम्हारे हैवी हो रहे हैं, 5 घंटे पढ़ गए, क्या तुम 1-2 घंटे खेल के अपने आपको ठीक नहीं कर सकते? बिल्कुल सर, बात है हॉस्टल में गेम्स का भी अच्छा खासा बंदोबस्त हो जाता था, और गेम्स नहीं भी तो हॉस्टल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बोर हो जाए, मतलब हम लोगों ने भी फील करा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हॉस्टल है वो, वहाँ पे सबका एंटरटेनमेंट हो जाता है, एंटरटेनमेंट हो जाता है। और हम लोगों ने मेरे ख्याल से टीचर स्टूडेंट्स का भी, हमारा भी इंटरेक्शन काफी अच्छा रहा, मुझे बाकी टीचर्स का नहीं पता, पर मेरे ख्याल से मेरा बच्चों का इंटरेक्शन काफी ठीक रहा है ना, तुमको वीडियो भी याद होगी है ना, जहाँ पे हम लोग बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसमें कोटेश ऐसे कर खड़ा हुआ है ना, फिर हमने जैम मांगा था, फिर मैंने जैम मांगा था, मेरा गिव मी अ जैम है ना, आप लोगों को दिख रही होगी वीडियो स्क्रीन पे, बच्चा अपना बॉक्सर है ही ना, तो मैंने कोटेश से बोला, तो कोटेश का स्टांस भी ऐसा था ऐसा करके जी सर, है ना, तो मुझे लगा यार ये क्या कर रहा है ये है ना, फिर मेरा तुम्हारा हुआ, आई आस्क्ड यू फॉर अ जैब एंड अ हुक राइट, एंड देन यू आस्क्ड मी के इंडियन स्टाइल, इंडियन या अमेरिकन, है ना, मेरे को चीजें भी याद रहती है, मतलब कुछ लोगों की है ना मेमोरी फोटोजेनिक होती है जी, है ना, कुछ लोगों को देख के चीजें याद रहती है, ऐसे मुझे सुनी हुई चीजें याद नहीं रहती जी, या पढ़ी हुई चीजें ज्यादा मेरे को याद नहीं रहती, अगर मैं कुछ चीज देख लूँ तो बहुत बहुत टाइम तक मेरे को ना एग्जैक्ट डायलॉग्स याद रहते हैं कि ऐसा 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 ऐसा। इसी लाइन में कैंपस में जो तुम्हारे जूनियर्स हैं, कुछ लोगों के नाम मैंने लिए, सादिक हो गया, थॉमस हो गया, पीयूष हो गया,
और कुछ लोग तुमको नाम याद होंगे क्योंकि जो मेरे पास बच्चे आए हैं तुमको लेके कि सर सौरभ भैया का क्या क्या रहा, तो वो तो ये है। बाकी जो बच्चे हैं, कोई बच्चे जिनका तुम नाम लेना चाहो और उनके लिए कोई मैसेज? मैं मोस्टली जिन बच्चों से क्लोज हूँ वो रोहित, वो रूममेट था हमारा, तो फिलहाल वैसे उससे बहुत उतनी बात होती है नहीं, जब भी बात होती है उसको यही कहता हूँ कि पढ़ ले। वो एक टेक्स्ट करता है, मैं यही कहता हूँ पढ़ ले, जाके पढ़ ले बात में। तो रोहित हो गया, अभी पांच प्रभात, इनसे हाँ जी, इन लोग से थोड़ा उठना बैठना ज्यादा था मेरा। हाँ। ये अच्छे लगते हैं मुझे, हाँ। इनसे वाइब मैच कर दी, तो फिर से वही कहूंगा पढ़ ले। ज्यादा इधर उधर नहीं, अगर वीडियो भी देख रहा है तो भाई फिर से बोलूंगा पढ़ ले। और कैंपस में मतलब एज इन कैंपस के और बच्चों के लिए क्या? बाकी बच्चों के लिए कि मतलब हमारा ये था कि हम अपने 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 स्टेट से निकल गए थे, अपने अपने साइंस बैकग्राउंड से निकल गए थे, और दो साल हमने उनकी तरह प्रिपरेशन करी नहीं थी। जितने भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के पास भी कोई एज नहीं, सबके हाँ। पास एक एक्स्ट्रा एज है, सबके सब पेपर निकालने के लिए कैपेबल है, क्योंकि वहाँ जो अब तक सर्वाइव कर, जिनको जाना था वो छोड़ के जा चुके कैंपस के बहाने की वजह से, जिनको सर्वाइव करना था अब तक वो वहीं सर्वाइव कर रहे हैं। पेपर निकालने के लिए अपॉर्चुनिटी सबके पास है, और अभी भी चार महीने पढ़े और उन्होंने सिलेबस इतना कवर कर लिया है कि अब वो सिर्फ रिविजन करें तो पेपर निकल जाते हैं। जो हमारे ट्वेल्थ के बच्चे हैं जी, फाउंडेशन के हमारे जो जी सादिक की बात कर रहे थे हम लोग, और थॉमस की बात कर रहे थे, प्रभात जी, और तुम्हारा दीपांशु, दीपांशु बहुत ही सर, वो डांस की क्लिप है एक जिसमें बच्चा बैक क्लिप मार रहा ना, वो दीपांशु है, बहुत मस्करा लगा। बहुत अलग लेवल पे है, अभी भी कंबल में घुसा होगा कहीं, मुँह निकाल रहा होगा, है ना। और डांस का सर लोग बोल रहे हैं कि भैया डांस का एक बार छोटी सी क्लिप दिखाने, तो आपके सामने छोटी सी क्लिप चल रही होगी डांस की, है ना, म्यूजिक शायद ना आए पर दीपांशु आपको दिख जाएगा कूदता फांदता हुआ। इसे जो ट्वेल्थ के बच्चे हैं हमारे, तुमको लगता है कि मतलब जैसे डेढ़ साल हो गया उनको लगभग, है ना, इंग्लिश में काफ़ी पढ़े, जी के हम लोग काफ़ी पढ़ा चुके, मैथ्स के लिए अभी भी उनके पास चार पाँच महीने हैं, है ना, स्कूल में भी हम लोगों ने अच्छा खासा उनको गाइड किया, बाकी लोग जिसके कि बाकी लोग मुझे लगता है कि अभी लॉकडाउन में शायद इतनी अच्छी एजुकेशन ना मिल पाई हो, काफ़ी टाइम पे तो लॉकडाउन ही रहा, है ना, उस टाइम पे भी हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते रहे, फिर जब लॉकडाउन खुल गया तब भी लोगों की पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब रही, स्कूल पर वाले पढ़ा पाए नहीं पढ़ा पाए, लेकिन अपनी एजुकेशन कंटिन्यूसली वैसे ही चल रही है काफ़ी रिग्रेसली। तुम एग्जाम निकाल चुके हो, यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू जज पीपल, राइट, लगता है कि तुमको जो हमारे बच्चे हैं फिलहाल जो वहाँ पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम निकालने की पोजिशन में है, कंडीशन में है? फिलहाल थोड़ा सा पॉलिश करना ज़रूरी है उन लोगों भी, क्योंकि वो अभी बोर्ड्स के तरफ ज़्यादा फोकस है, बोर्ड की तरफ ज़्यादा कीन है। हाँ। एक दो बच्चे हैं जो बोर्ड्स को सैक्रिफाइस करके पेपर देने का सोच रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि मैं भी एक टाइम पे वही सोचता था। हाँ। जो कि वो सही है, क्योंकि हालांकि करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ में परसेंटेज से ज़्यादा मैं करियर को प्रायोरिटी दूंगा, तो वो सही है। और एक बार उनका बोर्ड हो जाए तो शायद वो भी ज्यादा फील में आ सकते हैं कि हाँ, अब तो उनके पास और कोई काम है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि उनको आपको नया से जाके पढ़ाना कि ना उनके, हाँ, बिल्कुल सही बात है, उनको सिर्फ पेपर देते जाओ वो करते जाएंगे, चार महीने बिल्कुल, हाँ, उनका ऐसा है कि चार महीने वो मॉक भी लगा सकते हैं। हाँ। अगर किसी ने तैयारी कर ली, एक दो बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो सिर्फ एनडीए की तरफ फोकस्ड है, तो उनको बोर्ड से कोई लेना देना है ही नहीं, उनको सिर्फ एनडीए से लेना, मैं जानता हूँ सिर्फ अभिमन्यु हो गया, हाँ, चौरसिया हो गया, आदित्य हो गया, जी बिल्कुल, तो वो लोग सिर्फ एनडीए की तरफ है। हाँ। तो जो कि अच्छी बात है क्योंकि करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ। और तुम्हारा क्योंकि मैं तो खैर बच्चों से बात करने की कोशिश करता हूँ, पर फॉर सम रीजन आई बिलीव कि मुझसे ना बच्चे बहुत खुल के बात नहीं कर पाते, ऐसा क्यों है वैसे? नहीं, वो आपका पर्सनैलिटी, क्योंकि नहीं जाहिर सी बात है, जब आप फ्री हो, आप फ्री हो, हाँ, अगर बच्चों के मुंह से कोई अपशब्द निकल गया, हाँ, या कुछ उल्टा सीधा निकल गया जो आपको नहीं जमा, हाँ, तो उसके बाद थप्पड़ भी उन्हें ही फेस करने हैं, हाँ, शायद जी बिल्कुल, हाँ, तो शायद ले ना पाए इसीलिए, हाँ, उतना कहते नहीं है। अब ऐसा नहीं कि वो हमें भी सब कह देते हैं, हाँ, पर ये कि हम उन्हें मारेंगे नहीं, तो शायद कुछ ज्यादा कह सकते हैं हमारे सामने वो। तो किस सब्जेक्ट में तुमको लगता है कि अभी हमको और पुश करने की जरूरत है, क्योंकि बात बच्चों से होती रहती होगी तुम्हारी, तो कहाँ हमको थोड़ा सा और पुश करें? तो बात है अपने उधर के बच्चों का जीएस ठीक है, हाँ, तो उनको सिर्फ दिक्कत है मैथ्स में, वैसे तो 75 आ जाने चाहिए, हाँ, तो उन पे हल्का सा अगर मैथ्स पे, और बिल्कुल ही मुश्किल नहीं, अगर एलजेब्रा ही उठा के अच्छे से धुन दिया जाए तो उतना, एलजेब्रा है, ट्रिगो है, कैलकुलस है, जरूरत नहीं है बेकार के फॉर्मूलेज में घुसने के लिए। एलजेब्रा जो कि वो 11वीं 12वीं के एलजेब्रा को अगर बाहर रखें तो एक साथ में सिर्फ एलजेब्रा पढ़ने से ही उनका 75 नंबर तो कैसे भी बन जाता है, प्रोवाइडेड कि वो अलग गलतियां ना करें। हाँ, समझ के, बिल्कुल बिल्कुल।
तो उनका मैथ्स अगर हो जाता है तो उनका सिलेक्शन रेट भी बढ़ जाएगा। तो अप्रैल के लिए देखते हैं, मैथ्स में हम लोग कोशिश कर रहे हैं इनके लिए ना, क्या किया जा सकता। नहीं सब ठीक है, बस वही वो क्वेश्चंस नहीं करते ना वो फैक्टर्स। जी बिल्कुल नहीं, वो स्पीड बहुत, जैसे चौरासिया अच्छा बच्चा है हाँ। बहुत, पर वो एग्जाम के बाद उसने कॉल किया था तो उसने भी एग्जाम में सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। क्वेश्चन सॉल्विंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के कितने नंबर आप टैकल करते हो, कितने नंबर टैकल करते हो। अब एग्जाम में 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप अगर 40 कर रहे हो तो ऐसा, तो अगर अच्छे बच्चे तो हो ही नहीं सकता कि 120 में से आपको 40 आते हैं। हाँ सही बात है। तो 70 के आसपास तो आपको आते होंगे, आते होंगे, तो आप आपके पास टाइम ही था, आप सॉल्व नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस प्रैक्टिस करते करते अपना स्पीड बढ़ाते हुए, कहाँ कौन सा ट्रिक लगाना है, कहाँ एप्लीकेबल ट्रिक नहीं लगाना है, कई कई जगह ट्रिक नहीं भी लगाना होता है, बिल्कुल कौन सा क्वेश्चन अवॉइड ही कर देना है, किसको बिल्कुल देखते ही छोड़ देना है। अब तुम्हारे पास अगर ऑब्वियसली मेडिसिन ट्रीटमेंट्स का क्वेश्चन आ रहा है जी, अपन ट्रीटमेंट्स में लगे वो R1 R2 करने में, कभी कभी तो सिंपली एक डिटरमिनेंट डाल देंगे और आपसे वैल्यू पूछेंगे। हाँ हाँ, और वो बहुत सिंपल होता है, पर कैलकुलेशन जिसने बड़ा होता है कि वो 5 क्वेश्चन खा जाता है, और क्योंकि बीच में मिस्टेक हो गई जी फिर से करना पड़ता है, फिर से करना पड़ता है। और बच्चे समझते नहीं है, वो हमेशा अपना वो देखते हैं कि हमारा मतलब मैंने कौन कौन सा पढ़ा है, मैंने कौन कौन सा नहीं पढ़ा है। और कभी कभी होता है कि वो पढ़ के जाते, मान लिया कि बच्चे 20 चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं तो पॉइंट आउट कर लेते हैं कि इसी 20 चैप्टर में से, मेरे हिसाब से 20 चैप्टर की प्रिपरेशन करना सही है, पर एक बार के लिए जो 8 चैप्टर छूटे हैं ऐसा नहीं कि उनको कुछ जानना ही नहीं उनके बारे में, देख लो हल्का नॉलेज, क्योंकि क्या पता एकदम कोई लल्लू सा क्वेश्चन आ जाता है, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं वो, तो एक हल्के लेवल पे पढ़ लो, बहुत ऊपर मत जाओ और छोड़ दो उसको। वो क्योंकि आप किसी जगह बहुत मेहनत कर लीजिए, किसी जगह मेहनत मत करिए, हर क्वेश्चन आपको 2.5 नंबर ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल वही, एग्जैक्टली माय पॉइंट, हर क्वेश्चन आपको 2.5 नंबर देगा। अब आपको नंबर से मतलब होना चाहिए, आधा सॉल्व करो सही बात, आपको 10 सेकंड में कोई आंसर बता के चला गया कान में कि यही आंसर है इसका, तो भी 2.5 नंबर ही देगा, तो आप 2.5 नंबर के पीछे भागे रादर देन मैंने ये पढ़ा है यही सॉल्व करूंगा, उस ऑल्टर ईगो में ना पड़े तो ही बेहतर। लास्ट टीचर्स के लिए क्या, टीचर्स हमारे सारे सही थे हाँ। जिनसे मैंने प्रिपरेशन की थी हाँ। मैं अपने एकेडमी में रहते थे, मेरे टाइम तक तो पुलकित सर थे हाँ। वो मैथ्स का उन्होंने दरोदर सब लिया हुआ था हाँ। इंग्लिश का आप थे हाँ। और जीएस का बीच में ऑल्टर हुआ, फ्लक्चुएट हाँ। हुआ बीच में हाँ। पर पाटिल सर इज गुड हाँ। उन्होंने जो क्वेश्चन बताया वो फंसे हाँ। और जब एग्जाम में क्वेश्चन फंसते तो खुशी इमीडिएटली टीचर ही दिमाग में आता है, आप ही भगवान हो। क्या और कह सकता है, जैसे मान लो एटीट्यूड वाइज ही कि भैया अगर टीचर अगर बच्चों से बात कर रहा है जी है ना, तो क्या ना किया जाए। मोस्टली बच्चों को मोटिवेट, जो कि फिर भी टीचर्स करते हैं हाँ। पर ऐसा ना हो कि एक वो कि मतलब क्लास में अगर 4-5 बच्चे अच्छे हैं और कुछ बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है तो मोस्टली मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर्स का जॉब होता हाँ। तो अल्टीमेटली हाँ। उन्हीं का जॉब है हाँ। पर उनका भी उस जोन में लाया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे हमेशा छठे हुए रह जाते हैं कि मतलब नहीं यार नहीं करना है सबसे, क्या है अब जो 2 साल मेरे बीत जाए मैं इसके बाद कहीं और चला जाऊंगा, तो उन्होंने ऑलरेडी अपना पैसा लगा दिया तो एक बार उन्हें बस ऐसा इतना ही मोटिवेट कर दिया जाए कि वो बस एक ट्राई दे के देखें हाँ। क्योंकि जैसे आप कहते रहते क्वालिफाइंग पेपर है तो एक बार इतना तो है कि एक बार क्वालिफाई तो हो जाए हाँ, सही बात है। SSB होता है नहीं होता वो बात की बात सही बात है, पर एक बार क्वालिफाई तो हो जाए क्योंकि वो 2 साल इधर है उनका बनता है क्वालिफाई होना, कोई क्रैश कोर्स में आ रहा है उसका क्वालिफाई हो रहा है नहीं हो रहा है अलग बात है, और वो 2-2.5 साल यहाँ रहने के बाद अगर नहीं होता है तो बाद में उन्हीं को डिमोटिवेट करेगा, डिमोटिवेट करेगा वो जिंदगी भर के लिए, एक हो जाता है और एक बार पेपर निकल गया तो जिंदगी भर तो एटलीस्ट रहेगा कि पेपर तो निकल सकता है, मैं भी आर्मी मटेरियल नहीं हूँ पर पेपर निकल सकता है, कॉम्पिटिटिवनेस है मेरे अंदर एज है। इसके अलावा मतलब टीचर्स का बिहेवियर तुमको कहाँ खराब होता है, मतलब एज इन जनरल, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि थोड़ी सी शायद परेशानी हो है ना किसी स्पेसिफिक टीम को बोलने के लिए या हमको बोलने में, एज इन जनरली अ टीचर क्या गलती कर लेता है बच्चों को गाइड करते हुए, जहाँ पे ना बच्चे बिगड़ जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, या वो इफेक्टिवनेस टीचर की नहीं रह जाती। जैसे मैंने बताया कि मतलब जैसे बच्चे टीचर के ऊपर फेथ रखना चाहिए, वो तो वो हो गए बच्चों की ड्यूटी हाँ। टीचर को भी बच्चों के ऊपर फेथ रखना चाहिए हाँ। और जैसे कभी कभी हो जाता है कि मतलब जैसे कुछ बच्चे अच्छे कर रहे हैं हाँ। तो जैसे अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा भी प्रोग्रेस किया है तो उसके उस छोटे से प्रोग्रेस को एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तब वो और
भले एप्रिसिएशन के लालच में, और लालच में वो और अपना इम्प्रूवमेंट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी का कोई इम्प्रूवमेंट कर रहा है लेकिन वो नेग्लेक्ट हो जाता है तो वो सोचेगा कि इतना करके क्या फायदा, क्या फायदा होगा, किसी ने ना हम पहले गधा था, कोई किसी को फर्क नहीं, अब दो नंबर ज्यादा गया कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो गधा में ही ठीक था। तो अगर उसको दो नंबर भी ज्यादा आते हैं तो उसको भी पॉइंट आउट करके अप्रिशिएट किया जाए तो और थोड़ा फाइट मारेगा ऊपर आने के लिए। इसके अलावा जैसे ना मुझे लगता है पर्सनली कि भी मैं जितनी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, है ना, मुझे मैं हमेशा तुमको बोलता आ रहा था कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना इतने की जरूरत तुमको कभी पड़ेगी नहीं। जी नहीं, है ना, पढ़ी वो अल्टीमेटली मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा गया जी। कुछ तुम वैसे बहुत पढ़ने में अच्छे बच्चे थे, मुझे रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा था, कुछ मुझे मज़ा आ रहा था पढ़ाने में, कुछ हमारे पास इंग्लिश के लिए बहुत टाइम था तो मैंने कहा पढ़ा देता जितना हो सकता है। मैंने बहुत पढ़ाया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने किए क्लास में ना, दुनिया भर की बातें की हम लोगों ने। बात यह है कि जैसे हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं कि यार हम ये पढ़ा दें, ये पढ़ा दें, ये पढ़ा दें, है ना, ये कर दें, यार इतना सफिशिएंट है, इसमें इतना काफ़ी है। बच्चों से शायद हम लोगों ने कभी इनपुट्स लिए नहीं जी, तो टाइम नहीं मिलता, दिमाग में भी नहीं आता, तुम बिजी इतने रहते हो, है ना। अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, तुमको क्या लगता है कि जो स्टडी मटेरियल हम लोग दे रहे हैं ये सफिशिएंट है या इसमें थोड़ा कम करें या थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए? स्टडी मटेरियल बिल्कुल सफिशिएंट है, और रही बात बच्चों के मूड की तो वैसे नहीं, एक बार स्टैटिस्टिक जो होता है, जो यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ तो उस स्टैट्स का वीडियो एक स्टैट्स एक बार अगर आप बच्चों से लाइव जाके डिस्कस करें, और तो पता भी नहीं होता कि कितना आने वाला है, कहाँ से आने वाला है। हम साइंस को नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, पर एंड में अगर हम 50 क्वेश्चन भी साइंस के करते हैं तो हमें 200 नंबर देके जा रहा है। सही बात है, और वो उतना हाई फाई साइंस आता भी नहीं, बहुत हमसे लोअर लेवल का आता है, पर हमारा भी टच छूट गया है इसीलिए हम उसको सारा एड नहीं कर पा रहे। हम 200 में से 150-160 ऐसे ला रहे, जबकि वो हमारा फोर्टे था, उसमें हम पूरा का पूरा स्कोर कर सकते थे। यानी तुम एक जब सेशन शुरू हो जी तो हर सब्जेक्ट की एक छोटा सा लेक्चर हो जहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में ओवरव्यू दे रहा है कि इसमें से क्या आने वाला है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितने क्वेश्चन का वेटेज है उसका, और फिर वहीं पे शायद बता दिया जाए कि भाई ये चैप्टर अगर छोड़ भी दिए जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी, बिल्कुल मान जाएंगे बच्चे मान जाएंगे, बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि जाहिर अगर उनको आप एक लॉजिकल स्टेट्स दोगे तो उनको मानना ही पड़ेगा, और उसके बाद भी वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हो फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके चलिए फिर आगे पेपर के बाद ताकि आपको दोष ना दे। ठीक है, तो फिर सौरभ इट्स बीन ग्रेट, है ना, काफ़ी टाइम से मैं तुमको देख रहा हूँ, है ना, तुमको पढ़ते हुए भी देखा, खेलते हुए भी देखा, और वहाँ बवाल करते हुए देखा है तुमको तुम्हारे पीछे बच्चों को घूमते घूमते देखा, सौरभ भैया है ना, तो इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी, है ना। आई होप अभी तुम ऐसे भी तैयारी करोगे, आई होप इट गोज वेल, है ना, तुम सिलेक्शन लेके जाओ, आई होप जो अगला अटैम्प्ट तुम दे रहे हो उसमें भी तुम इस बार ऑल इंडिया रैंक लेके आओ, क्योंकि सिलेक्शन इस बार ले लिया है तो नेक्स्ट एक पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव आता है, है ना। जिस आदमी की जिंदगी एक जगह रुक जाती है ना कि भाई बस एक गोल अचीव कर लिया फिर वो खत्म हो जाता है, एक गोल अचीव कर लिया जिंदगी है सर ये, अब दूसरा गोल, तीसरा गोल है, तो अब अगला अटैम्प्ट आ रहा है ना, ऑल इंडिया रैंक टारगेट रखनी है, ठीक है, और इस भी तैयारी कल से शुरू कर दे, ठीक है, तो बधाई हो, थैंक यू सो मच, है ना, थैंक यू सो मच। सेकंड इधर चार आदमी और भी जाओ।